हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, हमने देख ली कौन सी फिल्म, कार्ते आर्यन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की मस्त अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3। क्या ये पिक्चर अपने सेकंड पार्ट से रिलेटिव है या उसके आगे की नई स्टोरी बताई गई है, और इस पिक्चर में कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस है या नहीं, और कैसी क्या केमिस्ट्री है तृप्ति डिमरी की और कार्ति आर्यन की, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आखिर तक बने रहिए, पर उससे पहले आपने छोटा सा काम करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं किसी देरी के, लेट स्टार्ट वीडियो। ये मोनिका ने किया होगा, उसी का ही तो दुश्मनी था ये युवराज के साथ। दुश्मन हम ही बोले थे हमको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो गाइस, हॉरर एंड कॉमेडी से भरपूर एंटरटेनमेंट का तड़का लेते हुए कार्ति आर्यन की भूल भुलैया 3 अभी हम देख के निकले हैं। और ये पिक्चर जो है ये अपने एक नए कंटेंट, नई कहानी के साथ, जिसका मकसद मंजुलिका क्या है, वो क्यों आई है वापस इस पार्ट में, और विद्या बालन अपनी पहली भूल भुलैया के बाद डायरेक्ट तीसरे पार्ट में आ रही है, इसमें माधुरी दीक्षित का भी रोल है, और इसमें और भी सारी चीज़ें बताई गई है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। एनीवेज, तो बात अपन अगर करें भूल भुलैया की, तो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की ये थर्ड मूवी आई है विथ 2 मंजुलिकास, एंड इसमें जो ट्विस्ट है उसको देख के आपका दिमाग भी ट्विस्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कोई पहले की तरह इसमें हॉरर एंड कॉमेडी है, और इसमें बिल्कुल कैरेक्टर्स को ही कंटिन्यू किया गया, स्टोरी को नहीं, इसमें स्टोरी नहीं है पर कैरेक्टर्स वही है, लू बाबा है, मंजुलिका है, छोटा पंडित, बड़ा पंडित, पंडित टाइन, और भी जो भी भूल भुलैया फ्रेंचाइजी में एक्टर्स है वही एक्टर्स है, बस इसकी स्टोरी चेंज है। रूप बाबा जो इसमें है वो एक अपनी दुकान खोल के बैठा है भूत भगाने की, और इसकी जो स्टोरी की शुरुआत होती है वो आज से ठीक 200 साल पहले गढ़ में कोई महल है माँ की। मूवी में रूप बाबा मंजुली का कैसे क्या मिलते हैं, उनका कनेक्शन क्या है दो मंजुली का के साथ, इसका जो क्लाइमेक्स है उसमें क्या दिखाया गया है, और भी इसमें जो नई कहानी डाली गई है उसे कितना क्या इन्फेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें आपको पिक्चर देखने के बाद ही समझ में आएगी। तो गाइस, मूवी ऑलमोस्ट 2 घंटे 40 मिनट की, मोटा मोटा पड़े तो 2 घंटे 50 मिनट की है। अपन पहले हाफ की बात करें तो पहले हाफ में कॉमेडी और हॉरर अच्छा है, कॉमेडी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, पर जहाँ इंटरवल आता है ऐसा लगता है कि ये पार्ट बिल्कुल सेकेंड पार्ट में किया गया है। इंटरवल की बात करें तो सेकेंड भाग में दोनों मंजुलिका का डांस है, और भी 2-3 चीज़ें अच्छी है, उसमें हॉरर कॉमेडी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की गई है। अपन अगर इसी के साथ म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया है, 3-4 गाने हैं ठीक ठीक, और आखिरी में वो गाना आता है हरे कृष्णा हरे राम, भूल भुलैया का टाइटल सॉन्ग। इसी के साथ अपन ट्विस्ट की बात करें, जो ट्विस्ट में मज़ा भी आता है, और हाँ इस पिक्चर में ध्यान रहना कि हाँ इस पिक्चर में चाहते कि अपन को बिल्कुल टाइम पे आना है, जैसे कोई अपना सीन निकले नहीं जैसे आप भटक नहीं जाओगे क्या चल रहा है कहानी में, शुरुआत से लेकर एंड तक की आपको समझ में आ जाएगी। एक्टिंग की बात करें तो रूप बाबा ने अपनी एक्टिंग अच्छी करी है इसमें, अपनी माधुरी दीक्षित ने भी मंजुली का की, और विद्या बालन ने मंजुला की एक्टिंग अच्छी की है, उनकी भी जो स्क्रिप्ट है गई वो भी अच्छी बताई गई है, तृप्ति डिमरी का भी काम अच्छा है, और भी जो अन्य कास्ट है उनने भी अच्छी एक्टिंग करी है। और हाँ, आखिरी में जो ट्विस्ट डाला है मंजुलिका को लेके, वो सब आपको पिक्चर से ले देखा निकल जाएगा। फिलहाल ये पिक्चर एक फैमिली कॉमेडी हॉरर एंड एंटरटेनमेंट मूवी है, और लोग अपने वर्ड ऑफ माउथ से मूवी देखने जाएंगे क्योंकि हैप्पी दिवाली का वीकेंड चल रहा है। मूवी अपनी फ्रेंचाइजी के दम पे अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकती है। ओवरऑल बात करें तो मैं इस मूवी को अपनी तरफ से 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।